तो बजट टीवीज की बात करें तो 20,000 एक आइडियल बजट है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को स्मार्ट टीवीज चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे स्मार्ट टीवीज के बारे में जो कि आपको 20,000 के नीचे मिल जाएंगे और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट टीवीज होंगे। दोस्तों एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ऑल कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सम्यक, यू वाचिंग टेक फिन, लेट्स गेट स्टार्टेड। रैंकिंग शुरू करने से पहले हमारा कुछ क्राइटेरिया है, ये जो पांचों के पांचों टीवी वो मिनिमम 32 इंच वाला टीवी होना चाहिए और सभी में आपको HD रेडी रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा और 60Hz का रिफ्रेश रेट भी होना तो चाहिए। तो फिलहाल शुरू करते हैं, सबसे पहले फिफ्थ नंबर पे हमारा जो टीवी आता है वो है सैमसंग का 32 इंच का स्मार्ट टीवी जो कि एक बहुत ही अच्छा स्मार्ट टीवी है। दोस्तों 32 इंच वाला HD रेडी रिजोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे जो GPU रहता है वो माली 400 का GPU है, यानी कि इसमें थोड़ा बहुत गेमिंग वगैरह आप कर सकते हैं और साथ ही साथ 1GB RAM तो मिल जाता है, लेकिन ये एंड्रॉयड नहीं है दोस्तों, इसमें आपको टाइजन OS देखने को मिलेगा। सैमसंग के ज्यादातर टीवी में दोस्तों टाइजन ही रहता है, तो इसमें आपको टाइजन OS देखने को मिलेगा और उसके अलावा 20W के स्पीकर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो सैमसंग का टीवी का प्राइस है वो है 18,290 रुपीज। अभी दोस्तों फोर्थ पोजीशन में आता है TCL का 32 इंच स्मार्ट टीवी जो कि एक बहुत ही अच्छा स्मार्ट टीवी है। दोस्तों यहाँ पे आपको HD रेडी रिजोल्यूशन मिल जाएगा, 60Hz का पैनल देखने को मिलेगा, साथ ही साथ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे GPU के बारे में बात करें तो माली 470 का डुअल GPU इसमें आपको मिल जाएगा जिसके मदद से आप गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके अलावा 1GB का RAM दिया गया है, लेकिन साउंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 16W का स्पीकर देखने को मिलेगा जो कि ये तो थोड़ा कम, लेकिन हमने उसे फोर्थ रैंकिंग में क्यों रखा है क्योंकि इसका प्राइस भी इस हिसाब से कम है। हाँ दोस्तों इसका प्राइस 16,850 रुपीज है, तो इस प्राइस के हिसाब से इस टीवी में जो जो दिया गया है वो एक्चुअल में वैल्यू फॉर मनी है। तो अभी थर्ड पोजीशन में आता है हमारा हाइसेंस का 32 इंच स्मार्ट टीवी जो कि एक HD रेडी रिजोल्यूशन के साथ आता है, 60Hz का पैनल देखने को मिलेगा, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम भी दोस्तों आपको यहां पे मिल जाता है। GPU के बारे में बात करें तो माली 470 का MP3 GPU है, यानी कि गेमिंग वगैरह अच्छा आप इसमें कर पाएंगे और साथ ही साथ 1GB RAM देखने को मिलेगा। स्पीकर्स यहां पे 20W का दिया गया है, लेकिन इसका कीमत 16,999 रुपीज है, यानी कि 17,000 में ये एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट टीवी है। हाइसेंस को मैंने इसलिए थर्ड पोजीशन में रखा है क्योंकि हाइसेंस का पिक्चर क्वालिटी थोड़ा अच्छा होता है एज कंपेयर टू TCL, तो इस वजह से ये थर्ड पोजीशन में है। और अभी सेकंड पोजीशन में आता है हमारा मी का होराइजन एडिशन 32 इंच स्मार्ट टीवी जो कि एक बहुत ही अच्छा HD रेडी रिजोल्यूशन वाला स्मार्ट टीवी है जिसमें आपको 60Hz का पैनल देखने को मिलता है, 1GB RAM देखने को मिलता है, साथ ही साथ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है ये स्मार्ट टीवी जिसमें आपको माली 450 ग्राफिक प्रोसेसर देखने को मिलेगा, यानी कि GPU जो होगा वो अच्छा होगा और साथ ही साथ इस स्मार्ट टीवी में आपको 20W का ऑडियो आउटपुट देखने को मिल जाएगा और मी का पिक्चर क्वालिटी भी अच्छा है दोस्तों कंपैरेटिवली। और दोस्तों इसका जो प्राइस है वो 17,499 रुपीज। और इस रेस में हमारा विनर बनता है जो फर्स्ट पोजीशन में है OnePlus का Y सीरीज स्मार्ट टीवी जो कि 32 इंचेस का है, जहां पे भी आपको HD रेडी रिजोल्यूशन मिल जाएगा, 60Hz का पैनल दिया गया है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस है ये स्मार्ट टीवी और यहां पे जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो ट्रिपल कोर प्रोसेसर होगा और माली 470 का GPU लगा हुआ है, वही 1GB RAM भी इसमें रहता है दोस्तों, 20W के स्पीकर्स आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। OnePlus का 20W दोस्तों डिसेंट ऑडियो प्रोवाइड करता है, इतना ज्यादा नहीं कि इतना कम भी नहीं है, तो स्पीकर ठीक ठाक ही है और OnePlus का पिक्चर क्वालिटी अच्छा होता है दोस्तों, तो इस हिसाब से इसे हमने फर्स्ट पोजीशन में रखा है और जिसका कीमत है 18,999 रुपीज। तो यही सब थे टॉप 5 स्मार्ट टीवीज जो कि आपको 20,000 से नीचे मिल जाएगा, कोई भी 20,000 टच नहीं कर रहा है उसके नीचे ही आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको खरीदना है तो आपके प्राइस रेंज के हिसाब से इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। दोस्तों इतना ही था आज के वीडियो में, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो दोस्तों जल्दी से कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ऑल कीजिए मेरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों मिलते हैं टेक फिन के और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।